Welcome back to my YouTube channel Learn Science. आज हम Oxford New Science in Everyday Life Class 7 की Unit 2 का टेस्ट लेकर के आई हूँ मैं. Unit 2 में आपका मटेरियल है जिसमें चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 हैं. इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे, मुझे उम्मीद है. आपने यूनिट 1 मुझे उम्मीद है आपने उसको सॉल्व कर ही लिया होगा. ओके, उसके आंसर्स भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के. तो ये भी आपको यूनिट 2 का टेस्ट करना है ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद है कितना नहीं याद है. ओके, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. पिछली बार की तरह मैंने भी इनको 15 रखे हैं. ओके, तो आप इनको करिए. देखिए, आपने ये सारे बहुत ही ईजी है और ये आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, सिर्फ आपको इनको दोहराना है. ठीक है, लिखना नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं लिखिएगा, बस ये कि आप इसको दोहराइए, इनको यहीं पे सॉल्व कीजिए और मैं जो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दूंगी उससे आप अपना मैच भी कर लीजिएगा कि आपको आपके आंसर सही है या नहीं है. ओके, ये 15 है. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से इनके आंसर आपको 1 से लेके 2 वर्ड में देने हैं. ओके, ये भी 15 ही है. तो आप इनको देखिए और इसके बाद उसको सॉल्व कीजिए. बहुत ही इजी है ये. देखिए, ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए, इनको आप लिख लीजिए. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आप इनको लिखिए ताकि आपकी जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो भी ठीक हो जाए. ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इनको आप लिख करके सॉल्व कीजिएगा. ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपके 20 हैं. ये चूंकि आपका ये वाला यूनिट बहुत बड़ा था, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन 4 चैप्टर्स थे इसमें, तो इसमें इसके क्वेश्चंस ज्यादा हैं. ओके, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं. ये अभी आपके 12 मैंने रखे हैं क्योंकि यूनिट काफी बड़ी थी और इसमें क्वेश्चंस भी थे, तो आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, लिख करके सॉल्व करना है. ओके, बैलेंस इक्वेशन. ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक. आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और जो मैंने आपको दिया है ये आपको इसको करिए. अब हम अगली वीडियो मेरी यूनिट 3 की होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है शेयर कीजिए. और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भी एग्जाम है और उनको इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब.